नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। बच्चों, किसी भी बात को करने के तरीके होते हैं या फिर किसी भी बात को कहने के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है साधारण और दूसरा तरीका होता है विशेष। जैसे आप देख रहे हैं कि मान लो यह राजू है, ठीक है। अब राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, इसका फेस देखिए, आपको लगेगा कि इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आप इस बात को साधारण तरीके से कहेंगे, राजू को बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर राजू को बहुत गुस्सा आया। अब इसी बात को विशेष तरीके से आप कैसे कहेंगे, राजू गुस्से से लाल पीला हो गया। क्या हुआ? राजू गुस्से से लाल पीला हो गया। इसका भी अर्थ यही है कि राजू को गुस्सा आ रहा है। अब एक दूसरा वाक्य देखिए, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो इसी को दूसरे तरीके से हम कहेंगे, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाल पीला होना और 9-2-11 होना यह विशेष प्रकार के कथन हैं। विशेष इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इनको सिंपल तरीके से कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि राजू को गुस्सा आ रहा है, लाल पीले की जगह हम क्या लिखेंगे, गुस्सा। और अगर 9-2-11 हम विशेष तरीके से कह रहे हैं तो हम सिंपल तरीके से इसको क्या कहेंगे कि चोर भाग गया। तो बच्चों, जो लाल पीला होना और 9-2-11 होना यह विशेष प्रकार के कथन हैं, और इन कथनों को हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा क्या हो गया, विशेष प्रकार का कथन जो है वह मुहावरा होता है। मुहावरे साधारण बात को विशेष बना देते हैं। अब उन्होंने विशेष कैसे बनाया, जैसे यहाँ देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। 9-2-11 मतलब साधारण सी बात थी, चोर भाग गया, और 9-2-11 ने इस बात को बहुत ही विशेष बना दिया। तो जो 9-2-11 है वो क्या है, मुहावरा है। और मुहावरा क्या कर रहा है, इस सिंपल सी बात को, भागने को क्या बना दे रहा है, विशेष बना दे रहा है। इनसे भाषा मजेदार लगती है। अब आप देख रहे हैं, जब आप इस तरीके से लिखेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो ये विशेष तरीके की लगेगी और ये बहुत ही मजेदार भी लगती है। और ये वाक्य के अंग होते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाक्य है पूरा और ये इसी का ही पार्ट है। मतलब ये वाक्य है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, और 9-2-11 जो है मुहावरा है और ये इसी वाक्य का अंग है। तो मुहावरे की परिभाषा या डेफिनेशन क्या होगी, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। ठीक है बच्चों, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। अब विशेष अर्थ कैसे हुआ, जैसे यहाँ लिखा है 9-2-11, तो 9-2-11 तो होता है 9-2-11। इसका अर्थ ये ना होकर क्या हो रहा है, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, मतलब पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो ये 9-2-11 जो है ये है विशेष। तो ये क्या हो गया, मुहावरा। बच्चों, अब हम कुछ मुहावरे व उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले नंबर पर लिखा है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखो, कोई भी ऊंट के मुंह में जीरा तो डालने वाला है नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक मुहावरा है, और इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम भोजन। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट इतना बड़ा होता है, उसके मुंह में छोटा सा जीरा। तो इसीलिए इसका अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम भोजन। और इसका वाक्य है, इस पहलवान को एक पाव दूध पिलाना तो ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपने यही वाक्य लिखना है, आप अपनी मर्जी से अर्थ को समझकर कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। दूसरा है ईद का चांद। ईद का चांद का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और इसका वाक्य मैंने लिखा है, अरे दीपा, तुम तो ईद का चांद हो गई हो। अब ईद का चांद का अर्थ बहुत दिनों बाद दिखाई देना कैसे हुआ, क्योंकि ईद का जो चांद है वो बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है, इसलिए इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना।
तीसरा देखिए दिया तले अंधेरा, दूसरों को उपदेश देने वाला स्वयं देने वाले का स्वयं आचरण अच्छा ना होना, जैसे कोई दूसरों को उपदेश देता रहता है लेकिन अपना जो आचरण है उनका सही नहीं होता है। तो इसका वाक्य है, अजय मन की शांति पाने के लिए तीर्थ स्थान पर गया, जब वहां एक कर्मचारी ने उससे रिश्वत मांगी तो उसने कहा दीपक तले अंधेरा होता है। तो बच्चों दीपक तले अंधेरा का अर्थ क्या हुआ, दूसरों को उपदेश देने वाले का स्वयं आचरण अच्छा ना होना। बच्चों मुहावरे से जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब अर्थ लिख देते हैं और जब वाक्य बनाते हैं तो लिख देते हैं कि इस पहलवान को एक पाव दूध पिलाना आवश्यकता से बहुत कम भोजन देने के समान है। बच्चों जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें मुहावरे का अर्थ प्रयोग ना हो करके मुहावरा अपने आप प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों कि जब भी आपको वाक्य बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप उसमें मुहावरे का अर्थ नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, मुहावरा लिखेंगे। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इसका अर्थ है आरंभ में ही हानि होना। 5 ही मिनट दफ्तर देर से पहुंचा था कि साहब डांटने लगे, यह तो ऐसा हुआ कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। सिर मुंडाना मतलब जैसे ही पूरे के पूरे बाल कटवा दिए तो ओले पड़ने लग गए, मतलब अगर बाल होते तो ओलों से भी बचा जा सकता था। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये कहा हुआ है कि आरंभ में ही हानि होना, कि शुरू में ही हानि हो जाना, तो इसको हम कह सकते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। पांचवा है घड़ों पानी पड़ना, जो कि आपके इसी पाठ में आया हुआ है, दोस्त की पोशाक, जिसमें जो नसीरुद्दीन के दोस्त थे जमाल साहब, जब वो उनके दोस्त के घर से बाहर निकलते हैं, जब नसीरुद्दीन ने कहा था कि इन्होंने जो पोशाक पहनी है वह मेरी है, तो उस वक्त जमाल साहब पर घड़ों पानी पड़ गया था, मतलब जमाल साहब शर्मिंदा हो गए थे। तो ये जो है इसी पाठ से लिया गया है। तो इसका वाक्य है, बच्चों की गलत आदतों की वजह से माँ बाप पर घड़ों पानी पड़ जाता है। बच्चों की गलत आदतें होती हैं और उनकी वजह से माँ बाप शर्मिंदा होते हैं। मुंह बनाना, इसका अर्थ है दुखी होकर क्रोध करना, दुखी भी होना और फिर क्रोधित होना। और इसका वाक्य है, कैसे आदमी हो जरा जरा सी बात पर मुंह बनाते हो, तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। अगर मगर करना, इसका अर्थ है टाल मटोल करना। और वाक्य है, कभी भी अगर मगर नहीं करना चाहिए। आगे देखिए आठवां, आंखों का तारा, और इसका अर्थ है बहुत प्यारा। और वाक्य है, बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बच्चों इसका अर्थ है बहुत शोर मचाना। जैसे कई बार हम कक्षा में आते हैं तो आप बच्चों ने बहुत शोर मचाया होता है और हम क्या कहते हैं, हम ऐसा ना कह करके कि बहुत शोर मचा रहे हो, हम कहते हैं बच्चों आपने तो आसमान सिर पर उठा लिया। तो इसका अर्थ होता है बहुत शोर मचाना। और वाक्य है, कई बार बच्चे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। दसवां देखिए, घी के दिए जलाना, और इसका अर्थ है खुशियां मनाना। और वाक्य है, जब अयोध्या में श्री राम पहुंचे तो लोगों ने घी के दिए जलाए। बच्चों आप बच्चों ने रामायण देखी होगी, जब श्री राम जी लंका के राजा रावण को मारकर और माता सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे लक्ष्मण के साथ, तो लोगों ने उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाने का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत ही खुशियां मनाई थी। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, और इसका वाक्य है, अरमान तो कलम तोड़ देता है। बच्चों आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी, तो उसको आप लिख सकते हो कि तुम तो कलम तोड़ देते हो। तो मुझे है अरमान की मैंने देखी थी कॉपी, उसमें उसकी अच्छी राइटिंग थी, इसलिए मैंने लिख दिया अरमान तो कलम तोड़ देता है। बारवां देखिए, गाल फुलाना, गाल फुलाना, आप भी कई बार आपकी मम्मा कुछ आपकी मनपसंद चीजें ना दे तो आप पूरा मुंह फुलाकर बैठ जाते हो, तो उसको मुंह फुलाने का मतलब क्या होता है, यस
नाराज होना, मतलब आप नाराज हो जाते हो। और इसका वाक्य है, मनपसंद सब्जी ना बनने पर कुछ बच्चे गाल फुला लेते हैं। 13वां देखिए, 9-2-11 होना, जो कि हमने अभी पीछे किया था, भाग जाना। और इसका वाक्य है, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पेट में चूहे दौड़ना, 14वां देखिए, पेट में चूहे दौड़ना, इसको कहते हैं बहुत भूख लगना। और इसका वाक्य है, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और 15वां देखिए, हाथ मलना पछताना, वाक्य, बच्चों फेल होने पर हाथ मलने से कोई फायदा नहीं, हमें पहले से ही परिश्रम करना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके मुहावरे, और आपने जैसे देखा कि मुहावरे जो हैं वो वाक्य का अंग होते हैं। तो अगर आपको कोई भी मुहावरा आ जाता है जो आपसे पूछा जाता है, तो आप एक तो उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो आपको आ जाता है हाथ मलना, तो आप उसका अर्थ लिखेंगे पछताना। और जब आप वाक्य बनाएंगे तो वाक्य में आप पछताना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप किसका इस्तेमाल करेंगे, अपने मुहावरे का, जो कि ये इस वाक्य में क्या है, हाथ मलना। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मुहावरे के बारे में कुछ ज्ञान हो गया होगा। मुहावरे क्या होते हैं, भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले कथन को मुहावरे कहते हैं, और मुहावरे जो हैं वो साधारण बात को भी विशेष बना देते हैं, और इनसे भाषा मजेदार लगती है, और साथ ही साथ ये वाक्य का अंग होते हैं। धन्यवाद बच्चों।